तुमको ये वाला काम दूंगा लेकिन इसके लिए ना ये पांच का नौकरी तुमको या का मिलेगा इसके लिए लेकिन तुम हमको सौ तो मतलब अभी, अभी, अभी सुबह से उठा हूं यार आज लेट हो गया आज मम्मी बहुत डांट रही है देखो मेरी मम्मी दोस्त ना सबसे ऑनेस्ट फीडबैक देता है उसको कोई डर नहीं होता है कि तुम बुरा मानो वो ऑनेस्ट फीडबैक देता है यार यार क्या मत समझाया तुमने एकदम समझ में आ गया कहीं पर भी कुछ काबिलियत है वो तुम सही कर सकते नमस्कार और खुश्यामेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल दिस इज योर मास्टर हर्ष प्रेम जो कि आपके सामने पूरे जोश में है क्योंकि सेशन बहुत जोशीला है और आज का सेशन है कि भाई आप अपने ग्यारहवीं बारहवीं करते साथ साथ कैसे पैसे कमा सकते हैं और पैसे कमाने से उद्देश्य यह नहीं है कि तुम आज से पैसा कमाना शुरू कर दो या पैसे के पीछे भागना शुरू कर दो उद्देश्य यह है अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ने में दिक्कत है या अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है सिर्फ आर्थिक कारणों की वजह से वो बच्चा है, इस सेशन को जरूर देखे साथ ही ऐसा कोई बच्चा है जो अपने माता पिता की मदद करना चाहता है क्योंकि उसको पता है उसको दिखता है उसके मां बाप बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और सारी जरूरतें घर की नहीं पूरी हो रही है और वो भी चाहता है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करे तो आज कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन तरीकों से आप अभी से ग्यारहवीं बारहवीं से पैसे कमा सकते हो और अपनी एटलीस्ट अपनी तो खर्च को उठा ही सकते हो जिससे तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो सके ठीक है सेशन में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही रिसर्च किया हुआ है वेल थॉट थ्रू पॉइंट है और एक एक जगह तुमको ये महसूस होगा कि कुछ नया बताया है बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं इसलिए सेशन तुमको अगर लगे तो तुम 2x स्पीड पे देख लो लेकिन एक एक पॉइंट देखना जरूर और सेशन को एंड तक जरूर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ठीक है चलो शुरू करते हैं तो जेडब्लू कर रहे हो चाहे नीट कर रहे हो अगर ग्यारहवीं बारहवीं के साथ साथ पैसे कमाना चाहते हो तो चलो देखते हैं इस सेशन को क्या क्या है इस सेशन में बहुत ही मस्त सेशन बनाया हूं लिटरली मेहनत तो बहुत हुई है इस सेशन पे आप ऐसे कितने ऐसे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उसके पीछे का रीजन फाइनेंस है वो लिख दीजिए फाइनेंस जिनके पीछे का रीजन ये है कि टू तो हेल्प द पेरेंट्स तो लिख दीजिए हेल्प और जिनके पैसे कमाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि सर आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माय ओन डेवलपमेंट या ओन फन तो वो लिख दीजिए ओन अपनी कारणों से कमा रहा हूं सर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना फाइनेंस की दिक्कत है ना हेल्प करने की दिक्कत है फैमिली को फाइनेंशियली आप हेल्प करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है जॉब uh, 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 तुमको अभी नौकरी कौन देगा तो अभी तो नौकरी कोई नहीं देगा बिकॉज ऐसे भी हमारे यहाँ जो रूल्स कहते हैं, वो रूल्स है कहते हैं कि हम अंडर एज को एम्प्लॉय नहीं कर सकते बहुत सारे सिचुएशन में तो नहीं कर सकते छोटे मोटे जगहों में कर सकते हैं ठीक है चलिए तो अब सबसे पहला ऑनलाइन पैसा कमाना आज के डेट में सबसे आसान है और सबसे ज्यादा सरल तरीके से तुरंत पैसा बनता है ऑनलाइन लेकिन ध्यान रखिएगा ऑनलाइन में फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं तो इसलिए आपको सारे वैसे तरीके बता रहा हूं है है, मतलब है, है। है, मतलब समझते हैं के बता जो नहीं जानते हो वो भी बता दीजिएगा अच्छा मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं ना लिख के बताओ ये जो बच्चा इस सेशन को लाइव नहीं देख रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा ठीक फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि जब इंसान घर बैठे बैठे कोई ऐसा काम या प्रोजेक्ट उठाता है जो छोटे नेचर का होता है और वो छोटा सा काम पूरा हो जाने के बाद उसको पैसा मिलता है एग्जाम्पल के तौर पर तो मान लो मैं एक टीचर हूं और मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉन्टेंट बनाता हूं से फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे अब हुआ क्या कि YouTube पे जब मैं कंटेंट बना रहा हूं तो मेरे को क्वेश्चंस चाहिए किसी को पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे को क्वेश्चंस चाहिए ना तो मैं मेरे को क्या चाहिए कि कि मेरे मेरे को को एक इंसान की जरूरत है जो जो हर रोज 20 20 निकाल निकाल के दे, और 20 कहां के 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 दे दे और लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए और मैं इस इंसान को बता दूंगा कि आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ या कौन सा टॉपिक तो ये काम कोई इंसान करेगा ना वो बीस क्वेश्चन खोज के निकालने वाला तो वो जो इंसान है अब मैं उसको एम्प्लॉय नहीं करना चाहता मैं नहीं चाहता कि उसको हर महीने की सैलरी दूं मैं बोलूंगा बेटा तुम हमको मतलब जो भी इंसान आएगा मैं भाई तुम बीस क्वेश्चन मेरे को दो और इस बीस क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के मैं तुमको से फॉर एग्जाम्पल पांच रुपए दूंगा तो तुम बीस क्वेश्चन दोगे बीस इंटू पांच सौ रुपए दूंगा तुमको हंड्रेड रुपीज एक एक पूरा पीपीटी बनाने का जिसमें तुमको बीस क्वेश्चन को बस पीपीटी में कॉपी पेस्ट करके लिखना है या तो टाइप करके लिख दो या फिर तुम कहीं से ऑलरेडी टाइप है तो वहां से कॉपी करके लिख दो बट सौ रुपए दूंगा तुमको जब तुम मेरे को बीस क्वेश्चन का एक पीपीटी दे दोगे अब ये जो बंदा है मैंने इसको बोला कि देखो तुम्हारा काम क्या है कि तुम मेरे को एक चैप्टर पूरा दोगे अब मान लो एक चैप्टर मैंने बोला मैंने उसको बोला कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पांच सेशन में पढ़ाऊंगा तो पांच सेशन में पढ़ाऊंगा तो तुमको मैं पैसे दूंगा पांच इंटू सो और जब तुम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा लोगे तो पांच सौ रुपए तुमको दे देंगे तो देखो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ना उसको बस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस निकालने हैं पांच सेशन है हर सेशन में बीस क्वेश्चन क्वेश्चन निकालने हैं और सौ क्वेश्चन के उसको पांच रुपए मिल जाएंगे तो ऐसे छोटे प्रोजेक्ट जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है लेकिन आपके काम के लिए आपको पैसे भी दिए जाते हैं और जनरली ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ऑनलाइन होते हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका है घर बैठे पैसे कमाने का ठीक है अब इसमें ये एक नेचर ऑफ जॉब मैंने बताया ऑल्दो ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे आपको पता होना चाहिए प्रूफ रीडिंग का जॉब भी होता है प्रूफ रीडिंग का जॉब क्या होता है अब जैसे मान लो मेरे पास है दस पेज का कोई डॉक्यूमेंट आया है अब मेरे को ये चेक करवाना है कि यार उसमें कहीं कोई गलती नहीं है कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है कहीं फॉल्ट छोटा बड़ा नहीं है तो मैं किसी को दे दूंगा प्रूफ रीडिंग करने के लिए ठीक है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा जब आप ऐसी नौकरियां खोज रहे हो तो इसमें फ्रॉड बहुत होता है ऑनलाइन फ्रॉड्स आज के डेट में बहुत बढ़ गए क्योंकि हर इंसान चाहता है भाई घर बैठे अगर उसको पैसे कमा दिए छोटा छोटा काम करके तो अच्छी बात है तो फ्रॉड कैसे होता है अगर कभी कहीं कोई भी इंसान आपसे काम करवाए या करने के लिए बोले और बोले कि यार तुमको ये वाला काम दूंगा लेकिन इसके लिए ना ये 500 का नौकरी तुमको या 500 का काम मिलेगा इसके लिए लेकिन तुम हमको सौ रुपये पहले दो रजिस्ट्रेशन कराओ मतलब वो फ्रॉड है पहली फुर्सत में फ्रॉड फु है देखो ध्यान रखना हमेशा कभी भी काम देने वाला इंसान पैसा देता है पैसा लेता नहीं है अगर मेरे को तुमसे काम चाहिए तो भाई मैं तुमसे काम करा रहा हूँ मैं तुमको पैसे दूंगा ना ले थोड़ी दूंगा बहुत से बहुत ये होगा कि भाई अगर तुमको कुछ नहीं आता तो मैं बोलूँगा यार मेरे पास इंटर्नशिप कर लो फ्री में कर लो मैं तुमको सिखाऊंगा तुम सीख के चले जाना फिर कहीं नौकरी लेना अच्छे से बट पैसा मांगूंगा तो नहीं तो अगर कहीं पे भी कोई भी इंसान तुमको बोले कि तुमको देना होगा पैसा सौ रुपये पचास रुपये हजार रुपये जैसा भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा ये करना होगा फलाना ढिमकाना मतलब वो फ़्रॉड है पहली फुर्सत में फ्रॉड है ठीक है हाँ अगर आप सामने से कोई आदमी दिख रहा है किसी का ऑफिस है तो वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन कुछ बताएगा वो अलग मुद्दा है बट नाइन्टी परसेंट केसेज क्या ऑनलाइन में तो हंड्रेड परसेंट केसेज में ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं ठीक है और ऑफलाइन में भी आप नाइन्टी परसेंट ऐसे लोगों पर भरोसा मत कीजिए समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक हो गया स्पेशली फॉर स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए तो होता है और ये एक तरीका बताया अब ऐसे हजार तरीके हैं मैं अभी तुमको बहुत सारे ऑप्शन दिखाऊंगा ये फ्री लैसिंग के हजार तरीके बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं बच्चे में तुम्हारे लेवल में बहुत सारे बच्चों को, को कोडिंग पसंद है तुम में से कोई ऐसा है क्या जिसको कोडिंग पसंद है तो बच्चा क्या करता है पता है कोडिंग करता है और कोडिंग करके वो सिंपल वेबसाइट्स बना लेता है सिंपल वेबसाइट जैसे मान लो मान लो मेरे को एक वेबसाइट चाहिए कि हर्ष प्रियम के नाम का एक वेबसाइट हो जहां पे यहाँ पे मेरा चेहरा हो या मेरा नाम हो हर्ष प्रियम मैथमेटिक्स एजुकेटर आ, ये मेरे कोर्स हैं ये मेरा यूट्यूब वीडियो है ऐसा मेरा एक स्टार्टिक वीडियो बन जाए मतलब स्टार्टिक वेबसाइट बन जाए तो अब कोई बच्चा होगा वो कोडिंग जानता होगा वो आएगा मेरे पास कि हाँ भाई सर मतलब मान लो मैंने अपना पब्लिश किया कि मेरे को काम कराना है मैं भाई इसके लिए दो हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हूँ वो बच्चा अगर उसको कोडिंग आता है वो घर बैठे ऐसे खट खटा कोडिंग डालेगा एक वेबसाइट बना दिया दो हज़ार रुपये मेरे से लेगा काम खत्म तो ऐसे फ्री लैंसिंग वर्क आर द बेस्ट वर्क घर बैठे बैठे कमा सकते हो पैसे अच्छे पैसे मिलते हैं और भैया काम भी हो जाता है ठीक है बढ़िया हाँ चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं अगले अगले ऑप्शन की तरफ वीडियो लाइक करते चलना जीरो इन्वेस्टमेंट दीज रिक्वायर जीरो मनी इसमें ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता खासकर ऑनलाइन वाले में तो कुछ नहीं होता बस एक लैपटॉप या फोन कुछ होना चाहिए जैसे अभी तुमको बताता हूँ तो एक सिंपल सा और बताता हूँ मेरे पास एक, ब, एक बच्चा ही कह लो क्योंकि वो पढ़ाई करता है तो मैं हर बार जब ऐसे वीडियोस लेता हूँ ना तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई मैं भी ऐसा बहुत सारा काम देता हूँ ये बच्चे मेरे पास आते हैं तो अब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को एक जॉब की सबसे मतलब एक प्रोफाइल की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है वो होता है वीडियो एडिटर वीडियो एडिटर मतलब ये एक प्रोफाइल की बात क्या करूँ दो तीन प्रोफाइल वीडियो एडिटर की मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है फिर मेरे को एक जरूरत पड़ती है एस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मतलब एक ऐसा बंदा जो सब्जेक्ट को जानता हो मान लो मेरे को मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन चाहिए जैसा मैंने अभी पीछे दिखाया था तो वो 20 क्वेश्चन निकालेगा वही ना जिसको आइडिया होगा तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होता है फिर मेरे को क्या चाहिए होता है कोई टाइप कर दे जिसके टाइपिंग स्पीड अच्छी हो तो डी उसको कहते हैं डेटा टाइपिंग डेटा टाइपिंग एंड प्रोसेसिंग तो डी एंट्री ऑपरेटर होता है जो डेटा टाइप करता है तो ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता मेरे को पड़ती है तो एक बच्चा एक बंदा है जो इसको मैंने पहले हायर किया था तो इसको मैंने हायर किया था पता है ये वीडियो एडिटर को मैंने बहुत पहले हायर किया था यू यूट बिलीव हंड्रेड रुपीज किया था ये बात बता रहा हूं पिछले साल की 2022 में मैंने इसको हायर किया था इस बच्चे को मैंने सौ रुपए पे हायर किया था कि तुम सौ रुपए दूंगा एक वीडियो बना के देना शॉर्ट्स या थोड़ा शॉर्ट से बड़ा होगा बट पांच मिनट के नीचे होगा सौ रुपए दूंगा और इस बच्चे ने मेरे साथ सौ रुपए पे काम शुरू किया इसको उस वक्त बहुत सारी एडिटिंग नहीं आती थी इसके पास सिर्फ मोबाइल है इसके आस लैपटॉप भी नहीं है बट इसने काम किया काम करने में इसने बहुत मेहनत और लगन दिखाया और उसके बाद फ्री से मैंने इस बच्चे को फुल टाइम जॉब पर रखा और आज ये अपनी पढ़ाई भी करता है मैं इसको पैसे देता हूँ ये बचे हुए टाइम पे मेरे वीडियो एडिट करता है और एडिट करके मेरे पैसे से ये बताता भी है मेरे को कि सर आप जो पैसे देते हो उससे मैं कॉलेज की फीस देता हूँ या फिर रूम का किराया देता हूँ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग भाई इस बच्चे ने मेरे को मेहनत करके दिखाया मेरे को लगा कि हाँ भाई ये काबिलियत है मैंने इसको नौकरी दे दी तो दिस इज हाउ इट इट हैपन्स फ्री so, लैंसिंग में ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है अब इसके पास कुछ और ऐसा है नहीं और अब ये धीरे धीरे इतना बढ़िया काम कर रहा है कि इसके पैर से इसकी सैलरी इसका जो अर्निंग है वो बढ़ते जा रहा है समझ लो जब ये सौ रुपए पे शुरू किया था तो सौ रुपए से कंपैरिजन में आज तो बहुत ही अच्छा कमा लेता है चलो भाई तो यहां तक समझ में आ गई यहां तक बात हो गई आगे बढ़ते हैं ऑल यू नीड टू डू स्पेंड वन आवर ईच डे अब वो डिपेंड करता है तुम तो वन आवर करोगे तो वन आवर के हिसाब से पैसे मिलेंगे आवर्स करोगे फाइव आवर्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे ठीक है दस uh, हजार क्या मतलब ऐसे देखा जाए तो लाख करोड़ रुपए भी कमा सकते हो डिपेंड करता है तुम कौन सा काम कर रहे हो ना तुम सारे लोग ऐसे टाइप के जॉब्स के लिए तैयार हो बोलो हाँ <coughs> जल्दी तैयार हो और ऑप्शन बताऊं मजा आ रहा है मजा आ रहा है तो और ऐसे ऑप्शन जानने यस और नो एंड ऑफ द वीडियो में अगर किसी बच्चों को ऐसा लगे कि सर ये दो तीन ऑप्शन और अच्छे हैं या एक ये एक और ऑप्शन बहुत बढ़िया है जो आपने मिस कर दिया तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बाकी बच्चों के लिए मदद हो जाएगी चलिए तो पहला नंबर पहला नंबर इज सेल योर नोट्स कॉमा बुक्स ये देखने में नहीं लगता कि ये एक ऑप्शन होगा या कोई कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा नोट्स बेच के भी पैसे कमाए जाते हैं क्या क्योंकि नोट्स तो सिर्फ टीचर के पास बिकते हैं बच्चों के तो बिकते नहीं है तो ऐसा नहीं है पहला तो ये गलत फहमी है नोट्स बिकते हैं ठीक है और अच्छे नोट्स के अच्छे दाम मिलते हैं अब कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस समझो पहला तो आप अपनी पुरानी किताबों को बेच सकते हैं तो पुरानी किताबों को बेचने का दो तीन जगह या तो कबाड़ी वाले को बेच दो नहीं तो अच्छा ऑप्शन आपको बताता हूं ये सारे लोग जानते हो गए का नाम सुने हो सब सुना होगा पे पे यू बिलीव तुम देखना OLX पे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो फ्री में डाले जाते हैं वहां पे पोस्ट और वहां पे बहुत सारे बच्चे अपने पुराने किताबों को बेच रहे होते हैं जैसे मैंने देखा है कि भाई कोई बड़े कोचिंग में तुम थे या तुम पढ़ रहे थे बच्चा क्या करता है पूरा वहां का स्टडी मटेरियल ओएलएक्स पे डाल देता है अब भाई मान लो कोई है कोई बच्चा है से फॉर एग्जाम्पल वो में पढ़ा वेदांतु में पढ़ा तो वेदांतु का दो साल का कोर्स खरीदा उसने एक लाख रुपए देकर ठीक है एक लाख अभी तो अस्सी हजार सत्तर हजार का उसने कोर्स खरीदा दो साल देकर अब वो दो साल पढ़ा दो साल पढ़ने के बाद उसका जहां भी सिलेक्शन होना था हो गया अब तो उसकी किताबें खराब हो गई ना बेकार हो गई तो वो क्या करता है कि अच्छा ओ एल एक्स पे ऐड डालेगा कि वेदांतु बुक्स ऑफलाइन प्रिंटेड बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डीपीपी एवरीथिंग यू गेट इट इन से फॉर एग्जाम्पल सेवन थाउजेंड या टेन थाउजेंड कुछ प्राइस डाल दिया अब इसने दस हजार रुपये डाला अब कोई दूसरा बच्चा है वो सोच रहा है यार सत्तर हजार तो मैं दूंगा नहीं मैंने कहीं दूसरा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया लेकिन वेदांतु का नाम बहुत सुना सुनाऊ बहुत अच्छी मटेरियल है दस हज़ार ज्यादा है वो इससे थोड़ा नेगोशिएट करेगा अरे नहीं भाई पाँच हजार में दे दो ये बोला पाँच हजार में नहीं देंगे डील डन इन सेवन थाउजेंड अब सात हजार रुपये में इस बच्चे को वेदांतु का पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा और वो भी ऑफलाइन मतलब प्रिंटेड सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैथ्स इंग्लिश सॉरी दो साल का इलेवंथ और ट्वेल्थ का या नीट का होगा तो नीट का तो अब इसके लिए भी फायदा जिसको सात हजार में मिला और इसके लिए तो ऐसे भी फायदा क्योंकि ये तो सत्तर हजार ऐसे भी दे चुका है पढ़ भी चुका है इसको किताब मिल गई बढ़िया बल्ले बल्ले और ओ एल एक्स पे सब चीजें फास्ट होती हैं अब दूसरा ऑप्शन सेल द डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ योर नोट्स अब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है होता क्या है जैसे जब तुम पढ़ाई किए हो और अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आ गया है तो आज, आ, या तो अच्छा रिजल्ट आ गया या तो तुमने नोट्स बहुत अच्छा बनाया जैसे दो टाइप के बच्चे होते हैं या तो वो जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो ऑब्वियसली उनका नोट्स अच्छा होगा ये ये ट्रस्टेड हो गया लोग मान लेते हैं हाँ भाई तुम अपने नोट से पढ़े हो तो एक तो ऑप्शन वो है तो उन बच्चों का पांच सौ दे तो बड़ी चीज नहीं है और इसका फोटो करा के तुमको मिल जाएगा, तो तुम खुश हो जाओगे है ना तो पहला चीज तो ये और दूसरा चीज ये कई सारे बच्चे खासकर लड़कियां उनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है मतलब जनरली मैंने देखा है लड़कियों की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है वो थोड़ा रंग बिरंगा करके भी लिखती हैं अगर किसी लड़की ने नोट्स बनाए हैं भले उसका सिलेक्शन हो नहीं हो लेकिन उसने नोट्स बड़े प्रॉपर बनाया तरीके से वो उस क्लास जाती थी हर रोज जाके पढ़ती थी तो उसका नोट्स अच्छा बिकेगा अब अच्छी बात यह है कि आज के डेट में आपको ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं है तुम क्या करो एक बार पैसा लगाओ किसी दुकान पे चले जाओ फोटोकॉपी वाले पे या कंप्यूटर दुकान पे स्कैन करा लो हर एक पेज को स्कैन करा के जो भी पैसा एक बार में लगे उसका डिजिटल एसेट बना लो पीडीएफ बनाओ जो जो बच्चा मांग रहा है उसको बित देते जाओ पीडीएफ डी बेचते जाओ बल्ले बल्ले मामला सेट है ठीक है अब बेचोगे तो पहला ऑप्शन बनता है पे बेचना आसान नहीं है और या फिर बहुत ज्यादा बिजनेस तुरंत आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है बट ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट तुम जाके लिखना नोट्स तुमको दिखेगा कि बहुत सारे लोग अपने नोट अमेजोन और फ्लिपकार्ट बेचते हैं ठीक है अब यहां पे अगर बेच पाए तो बहुत बढ़िया नहीं तो अगर नहीं बेच पा रहे हो क्योंकि यहां पे ना रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं जैसे जीएसटी नंबर होना चाहिए बिजनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए फलाना ढमकाना तो अगर यहां नहीं बेच पा रहे हो तो एक अच्छी सी वेबसाइट है स्टडी पूल वेबसाइट ये स्टडी पूल नाम है इसका इसी टाइप के और वेबसाइट्स होंगे ऑनलाइन तुमको सर्च करना होगा स्टडी पूल एक मैंने तुम्हारे लिए निकाला यहां पर जाके तुम अपने नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में पीडीएफ फॉर्मेट में बेच सकते हो तो अगर तुमने मेहनत की है अच्छे से नोट्स बनाया है तो यहां पे तुमको नोट्स बेच सकते हो क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं ये स्टडी पूल का मैंने स्क्रीनशॉट uh, डाल दिया है यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट्स अर्न मनी आंसरिंग तो यहाँ पे पता है स्टडी पूल वाले में ये भी ऑप्शन है आ, आपको पता होना चाहिए कि यूएस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो होमवर्क करने के लिए उनको हेल्प चाहिए होता है तो वो लोग क्या करते हैं जब भाई यूएस वाला है पैसा बहुत है उसके पास अब उनके लिए एक डॉलर का मतलब होता है हमारे लिए अस्सी रुपए ठीक है तो अब मान लो वहां पे किसी बच्चे को होमवर्क मिला और उसके माता पिता अमीर हैं और वो मैथमेटिक्स का कोई सवाल है कोई क्वेश्चन है जो उससे नहीं बन रहा है ठीक है तो वो क्या करता है पता है वो ऐसे वेबसाइट्स पे आता है और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर देता है और क्वेश्चन पोस्ट करने का वो लिख देता है कि भाई हम इस क्वेश्चन के लिए से फॉर एग्जाम्पल फोर्टी रुपीज देंगे अब फोर्टी रुपीज तुम्हारे लिए बहुत है क्योंकि भाई एक सवाल सॉल्व करने के लिए चालीस रुपए कोई दे रहा है लेकिन ध्यान से देखो तो उस बच्चे के लिए कितना है पॉइंट डॉलर आधा डॉलर टाइप्स तो उस बच्चे को लगता है यार आधा डॉलर देकर अगर हमसे एक सवाल कोई सॉल्व कर दे रहा है मेरा मेरा होमवर्क हो जा रहा है तो करा लेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो उसने उसको असाइनमेंट मिला है और उसको सॉल्व करने का मन नहीं है या उससे सॉल्व नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा अपना पूरा असाइनमेंट डाल देगा और ये असाइनमेंट में मान लो दस क्वेश्चन है अब ये दस क्वेश्चन के लिए उसने रख दिया कि भाई दो डॉलर हम देंगे अब दो डॉलर उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन तुमको अगर दो डॉलर मिला तो तुमको सिर्फ दस क्वेश्चन सॉल्व करने के डेढ़ सौ मिल गए अच्छा चीज तुम्हारी चतुराई भी काम आ गई उस उस का भी काम हो गया तो दिस इज हाउ यू कैन अर्न मनी वाइलो वैसे आपको एक बात और बता दूं कई आ, बहुत वक्त पहले जब वेदांतु ने अपना फर्स्ट टाइम डाउट सपोर्ट ऑन किया था तो वेदांतु हर एक डाउट पे पैसे देता था सारे डाउट एक्सपर्ट्स को तो जब ऑनलाइन का कोविड के टाइम पे ये मामला चल रहा था ना तो उस वक्त वेदांतु में भी डाउट एंसर करने के लिए पैसे मिलते थे लोगों को मतलब टीचर्स हों या क्योंकि ये तो ऑनलाइन था तो कौन डाउट आंसर कर रहा वो पता नहीं था लेकिन फिर बाद में जब हमने देखा थोड़ी क्वालिटी भी गिर जाती है इसमें तो बाद में जब हमने देखा तो हमने पूरी की पूरी टीम अपनी इन हाउस हायर कर ली सैलरी पे बंदों को ताकि अच्छे क्वालिटी के टीचर्स हों जो कि डाउट को आंसर करें तो अब डाउट का आंसरिंग बहुत ज़्यादा क्वालिटी का हो गया बट ऐसा बहुत सारी कंपनियां करती हैं अपने स्टार्टिंग के दिनों में तो स्टार्टिंग के दिनों में जब करती हैं तो आप उन कंपनियों को खोज के वहां पे डाउट आंसर कर सकते हो ठीक है समझ गया चलिए आगे बढ़ते हैं

पहला नंबर कौन कौन लोग को लग रहा है कि हाँ सर हम कर सकते हैं मतलब हम थोड़ा लिखने वखने में माहिर हैं या फिर हमारे नोट्स अच्छे होते हैं देखो तो जनरली 90 परसेंट जनता के तो नोट्स ही नहीं होते हैं चलो दूसरे नंबर पर बी एड ट्यूटर अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको ऐसा अंदर से महसूस होता है कि हाँ सर हमको पढ़ाने का पढ़ाने की काबिलियत है मुझमें ये कैसे पता चलेगा ऐसा नहीं कि तुमने टीचिंग किया है ये ऐसे पता चलता है कि क्या तुम अपने दोस्तों को कुछ समझाते हो तो बहुत बढ़िया वो समझ जाता है या सामने से दोस्त ऐसा बोलता है अरे यार तुमने तो मत समझा दिया ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे अंदर वो टीचर वाली गुण टीचर वाली काबिलियत है तो जिन जिन बच्चों को ऐसा आता है ऐसा देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अबे यार क्या समझाया यार तू पूरा कंफ्यूज कर दिया जो मेरे को आता था वो भी बुला दिया तो ऐसे वाले बच्चे कृपया करके कभी कोशिश ना करें टीचर बनने की बट जो बच्चों को उनके दोस्त ये फीडबैक देते हैं बिकॉज दोस्त ना सबसे ऑनेस्ट फीडबैक देता है उसको कोई डर नहीं होता है कि तुम बुरा मानोगे वो ऑनेस्ट फीडबैक देता है कि अरे यार क्या मत समझाया है तूने एकदम समझ में आ गया इसका मतलब तुम ट्यूटर बन सकते हो अब अगर आप ग्यारहवीं बारहवीं में हैं तो ऑब्वियसली ग्यारहवीं बारहवीं का ट्यूटरिंग करने का कोशिश मत कीजिएगा बट आप आराम से नौवीं दसवीं का ट्यूटरिंग तो कर सकते हैं और आज के डेट में हमारे देश में नौवीं दसवीं के लिए भी टीचर्स चाहिए होते हैं मतलब ट्यूटर चाहिए होते हैं बिकॉज बच्चे को नौवीं दसवीं में दिक्कत होती है तो आप नौवी दसवीं के बच्चे को जाके पढ़ा सकते हैं हालांकि नौवीं दसवीं का बच्चा बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता है लेकिन वो सौ से तीन सौ रुपए पर क्लास के बीच में दे सौ रुपया है तो सौ रुपए भी अगर दे रहा है और तुम हफ्ते में पच्चीस दिन मतलब महीने में 25 दिन जा रहे हो मंडे से सैटरडे हर रोज तो अगर पच्चीस दिन भी जा रहे हो तो तुम पच्चीस इंटू सौ पच्चीस सौ रुपए मिलेंगे और ये तुमको हर रोज एक घंटे दे के हो जाएगा अगर मान लो जिस बिल्डिंग में तुम जा रहे हो उसी बिल्डिंग में दो बच्चों को पढ़ा दिए एक साथ या अलग अलग दो घंटे में भी तो भी अगर तुमको पांच हजार रुपया हर महीने मिल जाता है जेब खर्च के लिए क्या बुरा है अच्छा ऑप्शन है ना एटलीस्ट तुम पढ़ते पढ़ते और तुम पढ़ाई से टच में भी रहोगे छूट भी नहीं रहो पढ़ाई से तो ये ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन है मतलब इसमें तो स्टार मार्क लगा लो क्योंकि इससे क्या होगा डबल फायदा पहला तो तुमको पैसा भी मिल रहा है और जो तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसमें मदद भी मिलेगा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो हाँ ध्यान रखिएगा यहां पे पढ़ाने का मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है ये सारे कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिनके लिए रेयरली बच्चा बच्चे को जनरली अच्छा टीचर मिलता है और अगर तुम निपुण हो तो तुमको अच्छा पैसा मिलेगा और तुम्हारे आसपास मिलेगा जैसे तुमने देखा होगा हर एज में मतलब खासकर छोटे एजेस में बच्चों को डांसिंग सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट बना बजाने के लिए मतलब गिटार बजाने के लिए या लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा जाता है आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा छोटू जरूर होगा जो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा होगा क्योंकि उसने स्कूल में फ्रेंच ले रखी है या कोई ना कोई ऐसी छुटकी जरूर होगी जो आ, क्या कहते हैं जर्मन सीख रही होगी क्योंकि उसके स्कूल में एक, एक्स्ट्रा एक, 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 सब्जेक्ट उसने जर्मन ले लिया है लिया है ना अब अगर तुमने भी ऐसा तुम भी ऐसे छोटू या छोटी हो जिसने जर्मन ऑलरेडी सीख रखी है फ्रेंच ऑलरेडी सीख रखी है तो इनको पढ़ा दो ना इसके लिए तुमको पैसे मिल जाएंगे क्योंकि और अच्छी बात यह है कि ऐसे लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए टीचर्स होते ही नहीं है बहुत बहुत रेयर होते हैं स्कूल के ही खाली टीचर होते हैं तो इसके लिए तुमको आसानी से नौकरी मिल जाएगी पैसा भी अच्छा मिल जाएगा ठीक है समझ गए सारे हाँ आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज ट्यूटर नेटिव लैंग्वेज और फॉर अब यहाँ पे एक बढ़िया बढ़िया मार्केट बनता है देखो ध्यान से तुमको पता है रियालिटी में लैंग्वेज पढ़ाने के लिए मार्केट बहुत बड़ा है कैसे जितने लोग खासकर कहां से चाइना से चाइना से भूटान से चाइना से भूटान से और इतने जितने आसपास वाले एशियन कंट्रीज हैं आपको पता है ये सारे लोग इंडिया की तरफ बहुत बहुत सारे लोग आते हैं क्यों बिकॉज इंडिया में बुद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां या बहुत सारे मंदिर हैं और बुद्ध इनके भगवान होते हैं बुद्धा होते हैं तो बहुत सारे पॉपुलेशन कहाँ आते हैं तुमको पता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो अपनी अपनी सीख और अपनी पढ़ाई दी थी वो मेजरली बिहार और यूपी वाले इलाके में दिया था अब बिहार और यूपी में होता क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन है नहीं तो लोग अंग्रेजी जानते नहीं हैं और लोग बदमाश भी हैं थोड़े से है ना तो भाई मैं भी बिहार से मैं जानता हूँ तो लोग थोड़े बदमाश भी और अंग्रेजी भी नहीं जानते तो ये लोग जब आते हैं तो दे ट्राई कि ये पहले से थोड़ी बहुत हिंदी जान के समझ के आएँ एंड हेंस इसमें से बहुत सारे लोग हिंदी सीखने की इच्छा रखते हैं चाइना से भूटान से जो लोग आते हैं ताकि उनको समझ में आए चीज़ें और इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट बनता है अब वेबसाइट्स मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए लेकिन अगर तुम्हारी अंग्रेजी और हिंदी दोनों अच्छी है तो तुम इन लोगों को ये सब पढ़ा सकते हो ठीक है और इसके वेबसाइट अच्छा यहाँ पे हमने अच्छा दो दो वेबसाइट लिखा है रवि सर ने अच्छी अच्छा रिसर्च किया है तो पहला स्किल स्टडी के लिए एक वेबसाइट है अर्बन प्रो और लैंग्वेजेस के लिए सिखाने के लिए दो वेबसाइट है जहां पर तुम खुद को एज अ ट्यूटर दिखा सकते हो इटालकी इटाल एंड दूसरा इज वर्बलिंग ये दोनों बाहर की वेबसाइट्स हैं क्योंकि बाहर के लोगों को केटर करती है बट यू कैन पोस्ट यूर सेल्फ एज अ ट्यूटर अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है इटालकी एंड वर्बलिंग और आप लोगों को सिखा सकते हैं ठीक है क्लियर वन हार्ट फॉर सर वेरी गुड निशांत अच्छी बात है तो साइन अप एज अ ट्यूटर नाव देखो अर्बन प्रो पे जाओगे अर्बन प्रो डॉट कॉम तो साइन अप एज अ ट्यूटर नाउ का ऑप्शन भी आता है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं इनफैक्ट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप वहां पे ऑनलाइन पढ़ाइए घर बैठे बैठे आपको पैसे मिल जाएंगे है ना बढ़िया ऑप्शन बस बल्ले बल्ले चलिए अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में तो सारे लोग को कितने को मजा आ रहा है कितने को लग रहा है हाँ, सर मजा आया अब अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं मजा आ रहा है क्लियर चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है रिव्यू एन ऐप और अ गेम अब पता नहीं तुम में से कितनों को पता है कि रिव्यू देने के पैसे मिलते हैं सच में कैसे अब जैसे होता क्या है कि मान लो मेरी एक कंपनी है और मैंने एक गेम बनाया या फिर कोई एक शॉपिंग ऐप बनाया अब वो ऐप अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है मैंने तो अपने जाने समझे सब अच्छा बनाया बट मेरे को यूजर का रिव्यू लेना पड़ेगा और इसीलिए मैं क्या करूंगा हर कंपनी भी ये काम करती है कि वो एक्चुअल पब्लिक को लॉन्च करने के पहले पचास से सौ लोगों को वो ऐप या वो गेम दे के उनको कर, यूज़ करवाती है बोलती है आप यूज़ कीजिए और यूज़ करके हमको फीडबैक दीजिए अब वो जो पचास सौ लोग हैं वो फ्री में क्यों करेंगे ये काम हेंस इन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है तो अगर सिर्फ एक घंटा इनको ये ऐप यूज करना है तो एक घंटे के सात सात सौ रुपये दिए जाते हैं यस यू हर्ड इट राइट एक एक घंटे के सात सौ रुपए हज़ार रुपए तक दिए जाते हैं एप्लीकेशन को टेस्ट करने और सिर्फ आपको यूज़ करना है अगर गेम है तो गेम को खेलना है गेम खेलो ऐप यूज करो उसके रुपए मिल जाएंगे है ना बढ़िया काम अब ये कहा कैसे होता है तो भाई बहुत सारे ये सारे वेबसाइट्स मैंने लिख दिए हैं इन सारे वेबसाइट्स पे तुम अपने आप को एज अ फीडबैक गिवर मतलब एज अ यूजर एज अ टेस्टर रजिस्टर कर सकते हो कि हाँ भाई अगर कोई भी ऐसा ऐप हो कोई भी ऐसा गेम हो जो आपको टेस्ट करना है आप मेरे को भेजिए हम कर देंगे समझ गए आया मजा चलिए आप आगे बढ़ते हैं अब जैसे मान लो चिकालोस चिकियालोस चिकियालोस में यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म तो अब यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस टेस्ट करने का ही प्लेटफॉर्म है तो गेट पेड फॉर योर फीडबैक तो अब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लो खुद से खुद को फिर आप जैसा जैसा फीडबैक दोगे वो सामने वाला उसके लिए पे करेगा है ना बढ़िया है ना बल्ले बल्ले चलिए जी आगे बढ़ते हैं सॉरी अब नेक्स्ट ऑप्शन सेल्फ फोटोग्राफ्स ये एक और बेहतरीन चीज़ है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पे चाहे प्रोफेशनल कैमरे पे बट फोटो अच्छा लेते हैं या फिर लेने का शौक है कितने ऐसे लोग हैं है, है यहां पे कोई अगर तुमको फोटो लेने का या फोटोग्राफी में थोड़ा सा भी शौक है और तुम अच्छा करते हो तो तुम अपने फोटोग्राफ्स भी बेच सकते हो अब अपने फोटोग्राफ्स मतलब ऑब्वियसली ऐसे दांत चिहाड़ के अपना फोटोग्राफ़ नहीं बेच सकते बिकॉज तुम्हारा फोटोग्राफ कोई खरीदेगा नहीं अब मान लो मैं ऐसे करूं तो मेरा फोटोग्राफ कौन खरीदेगा लेकिन अगर मान लो तुमको फोटोग्राफ लेने का बहुत मन है बहुत अच्छी बहुत इच्छा है जैसे आ, मेरे जान पहचान में मेरे फैमिली में एक लड़का है वो अभी ट्वेल्थ पास करके अभी कॉलेज में गया है हाँ नहीं कॉलेज का सेकेंड थर्ड ईयर तो मतलब मेरा रिलेटिव है भाई के लो तो मेरा जो वो भाई है कजन ब्रदर वो फोटोज़ लेता है बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेता है तो वो क्या करता है ना वो नेचर का फोटो लेता है मतलब बारिश हो रही है तो पत्तों से जो बूंद गिर रही है ना वो बूंद के गिरते हुए का फोटो ले लेता है अब ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ ना जब इन करके मज़ा और वो किसी तरह से एडिट वडिट भी करता है बट देखने में बहुत बढ़िया लगता।, लगता है मतलब लगता वा है वाह यार मज़ा आ गया तो भाई ये काबिलियत है कुछ लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं कि भाई वो ऐसे मेंढक यहाँ से यहाँ उछल के गया और उसका फोटो ले लिया उसी वक्त हाई स्पीड में तो ऐसे ऐसे लोग जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं नेचुरल फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर कुछ लोग होते हैं एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी मतलब एब्रेक्ट या ह्यूमन फोटोग्राफर्स अब ह्यूमन फोटोग्राफर्स जैसे ये जो मेरा भाई है ना ये ह्यूमन के भी फोटोग्राफ करता है तो इसने एक बार फोटो खींचा था रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था और रिक्शा जब वो चला रहा था ना तो वो जैसे पेडल मारता है ना तो उसकी पूरी जान लगती है तो वो पेडल मार रहा था और ऐसे करके ऐसे करके कर रहा था भाई और उस फोटो को देख के ऐसा लग रहा था ना कि दर्द बाहर उभर आया तो कुछ लोगों की ये काबिलियत होती है कि वो जब फोटो लेते हैं ना तो फोटो एकदम जिंदा लगता है अगर ये ऐसी कुछ काबिलियत है ना आपके अंदर आप कुछ ऐसा यूनिक कर सकते हो तो आप उन फोटोग्राफ्स को बेच सकते हैं ऑनलाइन बेच सकते हैं आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा वो फोटो लीजिए और पोस्ट कर दीजिए आपको पैसा मिल जाएगा जब भी आपका कोई फोटो खरीदता है तो कहा जैसे शटर स्टॉक इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है मैंने एक एग्जाम्पल डाला है अब यहाँ पे पैसे मिलते और बनते कैसे वो भी बताता हूँ तो जैसे मान लो मैं यूट्यूबर हूँ या मैं मान लो वेदांतों में काम करता हूँ तो मेरे को भी अपने कंटेंट को बनाने के लिए बहुत सारे फोटो की आवश्यकता पड़ती है अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ तो मेरे को ये बात सोचना पड़ता है कि मैं जो जो इमेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ उन पर कॉपी राइट इशू नहीं होना चाहिए मान लो मैंने किसी का इमेज यूज कर दिया लेकिन वो उस पर कॉपी राइट आ गया तो कॉपी राइट आ गया तो मेरा वीडियो खराब हो जाएगा तो मेरे को ऐसे इमेजेस यूज करने होते हैं जो कॉपी राइट फ्री हों या फिर मैंने खरीदे हों तो अब अगर मैं किसी चीज को खरीद रहा हूं मतलब अगर कॉपीराइट फ्री रखना है तब तो वही सब यूज़ कर सकते हो जो फ्री के इमेजेस हैं और नहीं मान लो ये जैसे मैंने बताया अब ये रिक्शा चलाने वाला है मेरे को ये फोटो पसंद आ गई मेरे को लग रहा है ये इससे मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होगा तो मैं इस फोटो को खरीदूंगा मैं बोलूंगा भाई ले ले तू 400 500 ले ले लेकिन मेरे को ये फोटो दे दे अब जो भी पैसे मैंने दिए ये पैसे उस बंदे के पास जाएंगे क्योंकि उसका फोटो बिका है तो इवन पांच पिक्चर्स का साढ़े देख रहे हो तेरह सौ एक पिक्चर का और घीचने में कितना पैसा लगा अठन्नी कोई पैसा लगा खींचने में नहीं भाई तुम्हारे पास मोबाइल है खींच लो अगर डीएसएल है डीएसएलआर से खींच लो तो फोटोज खींच के आप इनसे पैसे कमा सकते हैं ठीक है तो इवन शटर स्टॉक पे ऑप्शन होता है सेल फोटोज फुटेज क्लिप्स इलस्ट्रेशन एंड वेक्टर्स तो तुम ये सारी चीजें बेच सकते हो वहां पर क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं आ, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स अब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कुछ कुछ चीजें बेच सकते हैं जैसे रिज्यूम का टेम्पलेट मतलब अब ये बच्चों को पता हो ये बहुत कम चांसेस हैं बट जो लोग एमबीएमबीए करते हैं ना या डिग्रीज वगैरह करते हैं उनको पता होता है रिज्यूम कैसे लिखते हैं वो उनको सिखाते हैं तो तुम रेज्यूम कैसे लिखना चाहिए उसका टैम्पलेट बेच सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट से बेचने के लिए पीपीटी के टेम्पलेट्स मान लो तुमको पीपीटी बनाना बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छा बनाते हो तो तुम पीपीटी बना सक बना सकते हो जैसे मान लो मैं पीपीटी लेता हूँ अब देख रहे हो मेरे पीपीटी में तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऐसा सा बना हुआ है यहाँ पे ऐसा डब्बा 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 बना हुआ है तो देखने में अच्छा लग रहा है ना अब इसको किसी मतलब मेरी ऐसे में नहीं बनाया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने तो अगर उसको ये गुण आता है तो वो बाद में क्या कर सकती है पता है कि जैसे उसने मेरा सेशन बनाया फिर वो ये टेम्पलेट उठा के किसी और को सेल भी कर सकती है अब कोई और ऐसा इंसान मेरे जैसा है और उसको भी सेशन लेना है और वो खोज रहा है कि कोई अच्छा डिजाइन मिल जाए तो इफ इफ दैट पर्सन गेट्स दिस टेम्पलेट ही विल पे दैट ऐसे में कि हाँ भाई तुम ले लो पाँच सौ रुपये हज़ार रुपये जो भी तुमको अच्छा लग, सही लगे तो इस तरीके से आप पी पी टी बेच सकते हो वैसे ही सेम गोस्ट फॉर पोस्टर कैनवास तो आप ये सारी चीज़ें मतलब तुम तुम्हारा कहीं पे भी कुछ काबिलियत है ना वो तुम सेल कर सकते हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब वेबसाइट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे ये सब सेल होता है आ, ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स तो इट्सी एक ए, एक प्लेटफॉर्म है इफ़ समन पे एंड डाउनलोड योर डिजिटल प्रोडक्ट यू विल गेट पेड योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी अट्रैक्टिव जाहिर सी बात जितना बढ़िया होगा उतना बिकेगा स्टूडेंट विथ क्रिएटिव माइंड कैन चूज़ दिस ऑप्शन तो इट्सी एक वेबसाइट है ऐसे और बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है बताओ इतने सारे ऑप्शन बता दिए अब क्या ऑप्शन बचा हुआ है बताएं चलो तो नेक्स्ट ऑप्शन इज बी अ यूट्यूबर तुम में से कितने सारे लोग बनना चाहते हो ये जरा जल्दी से बता दो कितने लोग ऐसे हो जो YouTube पे वीडियो बनाना चाहते हो कि सर हाँ ये मेरे को करना है यहां बहुत पैसा है पैसा ही पैसा तो अब यूट्यूबर तो सब बनना चाहते हैं मैं आज आपके लिए कुछ आसान ऑप्शंस लेकर आया हूं जैसे आजकल तुमने देखा होगा ये बहुत चलन में है स्टडी विथ मी कितने लोगों ने देखा है इसमें होता क्या है कोई एक बच्चा रहता है या कोई एक बच्ची रहती है वो अपना पढ़ाई कर रही होती है ठीक है बाजू में उसने बस एक मोबाइल लगा दिया है या फिर लैपटॉप लगा दिया है जैसे साइड से उसका फोटो मतलब ऐसा वीडियो ले रहा है वो कुछ नहीं कर रही है वो सिर्फ बैठ के अपना पढ़ाई कर रही है बच्ची ठीक है बाजू में उधर कैमरा लगा हुआ है एंगल से वो बस कैमरा उसको दिखा रहा है ना वो बोल रही है ना वो बात कर रही है बस वो पढ़ रही है और दूसरे बच्चे उसके वीडियोस को देख रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है उसके साथ बैठ के पढ़ना और ऐसा क्यों हुआ है देखो यार आज के ज़माने में हर इंसान के पास अकेलापन थोड़ा तो है ही क्योंकि आसपास आज, आज के डेट में ना वो ज्वाइंट फैमिलियाँ नहीं बची हैं अब जब ज्वाइंट फैमिलियाँ नहीं बची हैं तो बच्चों को भाई हर इंसान को चाहिए होता है कि कोई दूसरा इंसान उसके साथ रहे मिले जुले बातचीत करे जब उसको ऐसा लगता है तो भाई वो कहाँ जाएगा दोस्त खोजने तो हेंस आज के डेट में ऑनलाइन दोस्त बन रहे हैं लोग इसीलिए ऑनलाइन पे साथ में बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं और ये स्टडी विथ मी टाइप के सेशन चल रहे हैं तो में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा फिर लाइव स्ट्रीम्स एंड स्टडी इनकरेज अदर स्टूडेंट्स टू स्टडी विथ यू शेयर योर स्टडी एक्सपीरियंस एंड सॉल्व डाउट्स ऐसा बहुत लोग करते हैं कि ऑनलाइन बैठ के डाउट सॉल्व करते हैं या फिर अपना स्टडी एक्सपीरियंस बताते हैं पोस्ट टू वीडियोज वी। अगर एक हफ्ते में दो भी डाल देना वो भी काफी है बैठे बैठे पैसा कमा लो गए आराम से कोई टेंशन नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरा ऑप्शन है वी लॉगर

अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे दिमाग में ये सेट होता है कि नहीं जैसे मेरे को पर्सनली लगता है ये क्या पागल बने यार अब पानी पूरी खा रहे हैं तो मैं खाने पर डिपेंड ध्यान दूंगा ना मैं मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा बट ये मेरा पर्सनल थाट है बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं लगता है तो जिनको नहीं लगता है दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट इज इंटेड अब कुछ लोगों को लगता है कि यार सुबह सुबह एक मैं अभी अभी सुबह सुबह उठा उठाऊँ यार आज लेट हो गया आज मम्मी बहुत डांट रही है देखो मेरी मम्मी मम्मी हाय बोलो तो मम्मी मेरे को बहुत डांट रही है क्योंकि मैं आज बहुत लेट उठा हूँ और मैं आज अपना बिस्तर भी नहीं बनाया हूँ यार आज मेरा एग्ज़ाम है मेरे को जल्दी जाना है तो चलो चलते हैं एग्ज़ाम के लिए और फिर वो एग्ज़ाम वाला वीडियो लेंगे एंड अब जैसे अगर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा तो आई वी लाइक क्या पागलपन है बट बहुतों को पसंद आता है क्योंकि आज के डेट में तुम जानते हो बिग बॉस जैसे सीरियल्स चलते हैं बिग बॉस क्यों चलता है बिकॉज हर इंसान को इंटरेस्ट है दूसरों की ज़िंदगी में घुसने का या दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का Hence, these ऐसा जरूरी नहीं कि तुम में दिखाओ, तो लोग हॉबीज दिखाते हैं जैसे अभी मैं थोड़े टाइम पहले यूट्यूब देख रहा था कोई तो एक लड़की है जो थ्री डी पेंटिंग करती है तो थ्री डी पेंट करती है और पेंट करके उसकी वीडियो डालती है अच्छा लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है तो वो गार्डनिंग करते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको खाना बनाना अच्छा लगता है तो वो खाना बनाने के वीडियोस डालते हैं तो आप अपने हॉबीज़ के वीडियो डाल सकते हैं हेल्दी हैबिट्स के लाइफ के कुछ लोग योगा करते हैं योगा के वीडियो डालते हैं और योगा का तो, का तो मैं भी डालता था पहले आप लोगों को अगर याद हो मेरा पर्सनल चैनल जो हर्ष प्रेम के नाम से है उसमें मैं बहुत पहले मतलब दो की बात है जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त मैं योगा के वीडियोज़ डालता था बच्चों के लिए फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी फिर वो आदत छूट गया मेरा मेरे से भी हो नहीं पाया क्योंकि एक्चुअली मैं यूट्यूबिंग चीज है मैं, मैं यूट्यूबर हूं बहुत undoubtedly मैं भी पैसा कमा But, uh, मतलब एक टाइम के बाद फिर तुमको वो फटीक वो थोड़ा मिथकान रहता है लेकिन ठीक है अभी तुम जैसे एज में ना तुम बच्चे वाले एज में तुम कर लोगे ठीक है फिर रिकॉर्ड योर टैलेंट एंड पोस्ट कुछ और काबिलियत है वो तुम कर सकते हो मूविंग फॉरवर्ड यस दैट वॉज ऑल तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये जो पांच ऑप्शंस बताए मैंने इसमें से कोई ना कोई एक तो तुम्हारे पल्ले पढ़ाई होगा या कोई ना कोई एक तो तुमको अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा है तो तुम भी वो कर सकते हो और उससे अपने आप को आगे ले जा सकते हो या पैसे कमा सकते हो तुमको ये वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक ज़रूर लिख कर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में और अगर मैंने कोई ऑप्शन छोड़ दिया है या तुम चाहते हो कि सर ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना मेरे तक भी पहुंचेगा और दूसरे बच्चों का मदद भी हो जाएगा ठीक है वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए हो सकता है आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको अपनी परेशानी ना बता रहा हो लेकिन उसको ज़रूरत हो ऐसे किसी वीडियो की जहाँ पे उसको तरीके मिल जाएँ पैसे कमाने के ठीक है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द लव सो सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस सेशन डू सब्सक्राइब टू द चैनल चैनल पर सब्सक्राइब रहना बिकॉज इस चैनल पर ऐसे बढ़िया कॉन्टेंट तुमको और बहुत मिलेंगे फाइन मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर बाय गुड नाइट